मिरर में अपने आप को देखते हैं और सोचते हैं कि बॉडी कब बनेगी। तो अगर आप लोग जिम जाते हो, वहाँ पे अच्छे से हार्ड ट्रेनिंग करते हो एंड एक अच्छा वर्कआउट सेशन रहता है आपका, तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन जरूर रहता होगा कि यार कब मेरी बॉडी बनेगी, या फिर अगर मैं जिम स्टार्ट कर रहा हूँ तो कितना टाइम लगेगा मेरी बॉडी को बनने में। ये चीज इमेजिन करो कि इट्स 2015 और ये मेरी अभी करंट फोटो है। इस टाइम पे शायद मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था, तो यू नो दैट्स द एज जब ज्यादातर बच्चों को शौक चढ़ता है जिम जाने का। ज्यादातर टीनएजर्स 16 या 18 के बीच में स्टार्ट करते हैं जिम। ब्रो अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया था आई वाज स्किनी फैट। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो खाना होता है वही ठीक नहीं होता। हमारी इंडियन डाइट को देख लो, मॉर्निंग में जैसे अगर मैं स्कूल जा रहा था तो दूध का ग्लास होता था जिसमें 2 चम्मच चीनी डाली होती थी, मे बी मैं व्हाइट ब्रेड का सैंडविच खा लेता था। एंड जब स्कूल से आते थे तब फिर से नॉर्मल खाना हमारा व्हाइट राइस, मोस्टली कार्ब्स रहते थे, प्रोटीन कम रहता था। एंड भाई अगर हफ्ते में हमारे घर में 3 से 4 बार जैसे पनीर या फिर राजमा ये सब बन गया तो उसमें कितना ही प्रोटीन हमें मिल जाएगा एक कटोरी में। एंड ये 2015 का टाइम था ब्रो, ये रेडी वाले मोमोज गॉट इंट्रोड्यूस्ड एंड देन आई डोंट नो बहुत सारी जंक फूड खाने लग गए थे सब बच्चे। इवन मैं देखूं जैसे हम ट्यूशन में जा रहे थे तो भी लाइक पिज्जा बर्गर जंक फूड ये सब चलता था। यार ब्रो आई डोंट नो कि हम इतना ज्यादा गंदा खाना क्यों खा रहे थे। अगर मैं स्कूल जाने से पहले सुबह व्हाइट ब्रेड के सैंडविच खा रहा था दूध के साथ जिसमें चीनी घुली होती थी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो आलू के पराठे खा के आते थे, या फिर जो अच्छे से तेल में तला हुआ आलू का पराठा होता है ना, वो गोभी का पराठा खा के आता है, कोई किसी का कोई किसी का। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे घर में जो खाना बनता है वो बुरा है, उसको खाना छोड़ दो। नो ब्रो, ये बात हो रही है अभी खाली बॉडी बिल्डिंग प्रस्पेक्टिव से कि हमें एक्चुअल डाइट जो चाहिए होती है वो हमारे घर के खाने से हमें नहीं मिल रही होती। क्योंकि जब हम ग्रो करते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो अब खुद ही देख लो हमारे घर के खाने में कितना ही हाई प्रोटीन होता है, नहीं होता इतना ज्यादा। एंड दैट इज द रीजन वी ऑल नीड टू बी अवेयर अबाउट कि कितना प्रोटीन हमें खाना चाहिए और कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमें डेली रहता है। क्योंकि ब्रो ये सब बातों से मैं एक ही पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ कि वी आर व्हाट वी ईट। देखो अगर हम गंदा खाना खाएंगे तो गंदा ही दिखेंगे, एंड अगर अच्छा क्लीन फूड खाएंगे तो हम अच्छा दिखेंगे। जितने भी लोग ये कहते हैं कि कैलोरी के अंदर अगर आप गंदा खाना भी खाओगे तो भी सही है ब्रो, वो चीजों पे बिलीव मत करो, दैट इज जस्ट ऑल बुलशिट। तो अब देखो ये क्वेश्चन आता है ना कि जब जिम जा रहे हैं कब बॉडी बनेगी, तो अब जैसे 2016 आ गया था एंड मुझे 1-2 साल हो चुके थे ऑन ऑफ जिम करते हुए, एंड धीरे धीरे इट वॉज 2017। तो मेरे माइंड में तो यही था कि भाई 2 साल हो गए और मेरी बॉडी अभी भी नहीं बनी। उस समय मेरे साथ के ज्यादा बच्चे जो है जिम नहीं जा रहे थे, तो जो भी मैंने प्रोग्रेस कर दी थोड़ी बहुत उसमें भी यू नो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ के क्लासमेट्स होते थे दे यूज्ड टू टच माय बाइसेप्स एंड माय नेम वाज लाइक दैट ही इज द गाय हु गोस टू द जिम लाइक इन द स्कूल। बट अगर मैं सोचूं कि यार 2 सालों में वो बॉडी क्यों नहीं बनी, तो फर्स्ट ऑफ क्या आई वॉज ऑन एंड ऑफ, और ऊपर से डाइट इतनी अच्छी नहीं होती थी। डाइट अच्छी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। यू नो बीइंग अ स्टूडेंट आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे कि मैं रोज के एग्स और चिकन अफोर्ड कर सकूं या वे प्रोटीन खरीद सकूं। उस टाइम पे यूट्यूब पे मैं माइक चैंग को देखता था एंड उसके जो वर्कआउट्स हैं उनको फॉलो कर लेता था। 6 पैक शॉर्टकट करके कुछ उसका चैनल रहता था, लुक एट दैट ब्रो, ये वाली वीडियो होती थी उसकी फ्रीकिंग 8 years ago। एंड इसके अलावा गुरु मान का चैनल भी जो है वो काफी पॉपुलर था। ऑनेस्टली मैंने उनकी वीडियोस इतनी ज्यादा नहीं देखी, बट काफी नाम था उस टाइम पर उनका भी। अभी तो यूट्यूब पे पता नहीं क्या मैगी खाना सिखा रहे लोगों को, लाइक आई डोंट नो ब्रो। एनीवेज अब 2018 आ चुका था, आई वाज सो सीरियस इन माय ट्रेनिंग क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी, मेरे पास पैसे थे तो मैं डाइटिंग भी कर रहा था एंड आई वाज स्टिल ईटिंग डर्टी। इट्स एक्चुअली 2019 ब्रो जब मैंने अपनी क्लीन डाइट स्टार्ट करी, ट्रेनिंग को और ज्यादा सीरियस ले लिया एंड मेरी 6 मंथ्स में बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस ग्रोथ हो गई थी। मतलब ऐसा कि मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस, इतनी ज्यादा मैंने प्रोग्रेस कर ली थी। तो अभी तक ये वीडियो देख रहे हो एंड यूर थिंकिंग कि भाई बताओ अब कितना टाइम लगेगा बॉडी बनाने में। ऑनेस्टली ब्रो दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, बट ये चीज काफी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस करते हैं, कुछ धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। अब जेनेटिक्स की बात आती है, अब देखो यार मैं खुद भी जेनेटिक्स पे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं करता, इट्स जस्ट दैट कि आपकी नॉलेज और हार्डवर्क एकदम टॉप नॉच रहना चाहिए। लेकिन भाई बस इस पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ, कुछ लड़के इतने ज्यादा अच्छे जेनेटिक्स वाले होते हैं कि उनकी प्रोग्रेस बहुत तेजी से होती है। अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो जब हमने स्टार्ट किया था मेरे साथ एक लड़का था, ओके 6 मंथ हो गए थे हम दोनों को ऐसे ऑन ऑफ ट्रेनिंग करते हुए, लेकिन उसकी प्रोग्रेस मेरे से बहुत ज्यादा थी। वैसे हमारे जीन्स पर काफी चीजें डिपेंड करती हैं। कुछ लड़कों को आप देखो बचपन से उनके 6 पैक बने होते हैं, वो कोई वर्कआउट भी नहीं कर रहे होते, उनकी बॉडी टाइट होती है। एंड जैसे अगर मैं कंट्री वाइज बताऊं तो जैसे जो ब्लैक्स होते हैं, जो ब्लैक लोग होते हैं, उनकी बॉडी ऑलरेडी मस्कुलर होती है बचपन से ही, दे हैव लाइक राउंड शोल्डर्स, अच्छी चेस्ट होती है उनकी। क्योंकि अगर आप देखो टॉप ओलंपियंस भी जो है, जो बॉडी बिल्डर्स है, वो भी मोस्टली ब्लैक है। इवन इफ यू सी दिस ईयर्स मेंस फिजिक कंपेरेटर, जिसकी ज्यादा अच्छे जेनेटिक्स है वो ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस करेगा, ज्यादा मसल पुट ऑन कर पाएगा। जिसके थोड़े खराब जेनेटिक्स है वो भी बॉडी बनाएगा, बट उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। अब क्वेश्चन एक्चुअली आता है कि यार बॉडी कब बनेगी, कितना टाइम लगेगा। तो मैं अपने हिसाब से बताऊं तो यार देखो आपकी जेनेटिक्स जैसे भी है, अगर आपके पास रिसोर्सेज है ना, आपको खाने की दिक्कत नहीं हो रही एंड अगर आप जिम जा पाते हो अच्छे से, तो आई थिंक ऑब्वियसली विदाउट टेकिंग एनीथिंग कि 2 से 2.5 साल में आपकी बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है। दिस इज द टाइम फ्रेम जब आपके मसल मैच्योर दिखेगा, थोड़ा सा आपकी मस्कुलर फिजिक दिखेगी एंड अगर आपने सब कुछ अच्छे तरीके से करा तो आई थिंक आप लोग भी अपने आपको बॉडी बिल्डर्स में काउंट कर सकते हो, मे बी और मे बी नॉट। एनीवेज 2 से 2.5 साल भी एक कंप्लीट फिजिक के लिए कह रहा हूँ। देखो अगर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो वो तो 6 से 8 महीने में भी होती है, आप डेफिनेटली फिट और अच्छे देख सकते हो 1 साल में भी। बट एक्चुअली अगर आपको अपने आपको कंसिडर करना है एक मस्कुलर लड़के के जैसे, तो यार देखो 2 से 2.5 साल में हमारी अच्छी मसल मैच्योर होती है रिपीटेड
बेसिकली जब हम अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, हार्ड ट्रेनिंग कर देता हूँ। एंड इफ यू आर एक्चुअली पुशिंग योरसेल्फ, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है ब्रो, इट्स नॉट जस्ट वन पॉइंट, मैं आपको एक्चुअल में तीन पॉइंट बताने वाला हूँ। एंड इसके अलावा ब्रो जो मैंने टाइम दिया ना 2 से 2.5 साल, इसमें भी अगर बॉडी नहीं बनी तो भाई मतलब आपकी बस की नहीं हो रही, या तो आप कुछ गलत कर रहे हो। ये बात एक्सेप्ट कर लो कि आप गलत ही कर रहे हो कुछ, तभी आपकी बॉडी नहीं बन रही, ठीक है। अपने नॉलेज चेक करो, बट यू नीड टू मेक चेंजेस ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस कर पाओ एंड यू आर एक्चुअली नॉट वेस्टिंग टाइम। अब कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा था, उसमें से पहले की बात करते हैं। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के ईयर्स में सब लोगों को सिक्स पैक चाहिए एंड वो सिक्स पैक चेज करते हैं, इसके चक्कर में वो कटिंग करना शुरू कर देते हैं, ऑलरेडी कम खाना खा रहे हैं। ब्रो देखो, टीनेज में हमारी ग्रोथ पीरियड होता है और हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, स्पेशली जब हम नया नया जिम जाते हैं। तो मेन प्रायोरिटी हमारी यही रहनी चाहिए कि उस टाइम पर हम लीन बल्क करें एंड कोशिश करें कि हम मैक्सिमम मसल पुट ऑन कर पाएं। अपनी बॉडी की एक अच्छी सिमेट्री बनाओ, हेड टू टो आपके लेग्स अच्छे से डेवलप रहने चाहिए एंड यू नो जस्ट ट्रेन हार्ड। अब जब ट्रेनिंग की बात आती है, वर्कआउट की बात आती है, तो काफी लोग जो है, काफी बच्चे जो है टीनेजर्स, वो फेलियर तक ट्रेन नहीं करते। ब्रो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पुशिंग योरसेल्फ हार्ड, 8 से 7 रैप में ही रख देते हैं, इवन अगर वो और ज्यादा कर पा रहे थे तब भी। हमारी जो प्रोग्रेस है वो फास्ट करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम फेलियर तक ट्रेन कर रहे हैं। हमें इतना हैवी वेट लिफ्ट करना है कि 10 से 12 रैप में हमारी बॉडी फेल हो जाए। शायद आपका फ्रेंड 200 kg की स्क्वाट पे 1 रैप कर लेता है, बट दैट्स नॉट बॉडी बिल्डिंग ब्रो। हमें बॉडी बिल्डिंग में हमारे मसल्स में बर्न फील करना होता है, एक्चुअल में पूरा टियर करना होता है एकदम फेलियर तक जाकर, तब हमारी बॉडी अच्छा अच्छा मसल ग्रोथ करती है। इट्स नॉट जस्ट 2-3 रैप्स और यही 5 रैप्स की गेम नहीं खेल रही हमें, हमें अच्छे से रेपिटेशन प्रैक्टिस भी करनी है हैवी वेट के साथ। एंड द लास्ट वन ब्रो, जस्ट कट आउट द जंक फूड, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। अपना जंक फूड खाना कम करो, अगर आपको चीट मील्स रखने भी है, कैन जस्ट कीप सम चीट मील्स हियर एंड देयर, थोड़े बहुत चीट मील्स आप एंजॉय कर सकते हो, बट कोशिश करो कि 70-80% आपकी जो डाइट है वो हमेशा क्लीन रहे एंड आप डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रोग्रेस करोगे। ऑलराइट ब्रो, अगर वीडियो भी आप देख रहे हो तो आई रियली अप्रिशिएट इट। अगर किसी को कंफ्यूजन है ना कि कौन सा वर्कआउट करें, कैसे हमारी डाइट रहनी चाहिए, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं क्वालिटी कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। चेक मी आउट ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पर रेगुलर पोस्ट करता हूँ, इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये चीजें पसंद है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, कीप वर्किंग हार्ड।